नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं सरस न्यूज। आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर की वादियों में, जिसमें आपको वहाँ की प्राकृतिक की सुंदरता से रूबरू कराएंगे। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती सारे जहाँ में प्रसिद्ध है। यह धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी देशों में रहने वाले लोग इसे एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। एक तरफ बर्फ से ढकी अंबर को स्पर्श करती पर्वतें, तो वहीं दूसरी ओर सेब से भरे बगान लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। प्रकृति की गोद में बसा इस शहर में आपको प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की वादियों में कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। ऐसे तो जम्मू में विश्व प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल में माता वैष्णो देवी धाम, भगवान अमरनाथ की गुफा और काफ़ी सारे अनेक रोमांचक स्थल हैं। यहाँ बहु फोर्ट, अमर महल भी शामिल हैं। बता दें कि जम्मू में स्थित डोगरा राजवंश का महल एवं संग्रहालय देखने योग्य है। यहाँ का डल झील यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर आप झील देखने की चाह रखते हैं तो यहाँ पर स्थित नागिन झील को देखिए। यह जम्मू एवं श्रीनगर शहर की डल झील से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि इस झील के आसपास के क्षेत्र ज्वेल इंडरिंग के नाम से काफ़ी विख्यात है। चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पूरे साल पर्यटकों का तांता लगा रहता है। आप लोगों को थोड़ा आप जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं। दरअसल श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और यह मुग़ल काल से ही गर्मियों के लिए उपयुक्त जगह मानी जाती है। इसके चलते मुग़ल बादशाहों ने यहाँ कई बागों का निर्माण कराया। इन बागों में सबसे प्रसिद्ध है निशांत बाग, जहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। अब आप लोगों को दिखाते हैं एक और काफ़ी सुंदर दृश्य। पहलगाँव कश्मीर के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। यह 2130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहलगाँव लीथर और से स्नाक झील के मुहाने पर बसा है। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पहलगाँव ही पहला पड़ाव है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसे ही आपको हर रोज़ एक नई कहानी और एक नई जगह के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिए सरस न्यूज़ के साथ और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।